गुड मॉर्निंग एवरीबडी वेलकम टू माई क्लास टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर फिफ्टीन एंड द टॉपिक ऑफ़ आवर चैप्टर इज़ फ्रॉम मार्केट टू होम इट मीन्स मार्केट से कोई चीज़ हमारे घर कैसे पहुँचती है लास्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि बसवा की फैमिली कैसे वेजिटेबल वगैरह मार्केट तक पहुँचाती है नाउ इन दिस चैप्टर कि मार्केट से होम तक हमारे पास चीज़ें कैसे आती हैं तो वैशाली वैशाली एक गर्ल है और वो कह रही है कि माई फादर इज़ ए वेजिटेबल सेलर और होल फैमिली अम्मा भैया छोटू और वो खुद वैशाली जितने भी लोग हैं वो घर में वर्क करने में हेल्प करते हैं वो भी दिन भर उसने कहा कि आपको पता है कि व्हाट टाइम वी बिगेन आवर वर्क हमारा वर्क किस समय शुरू होता है एट थ्री ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग थ्री ओ क्लॉक इट मीन्स बिल्कुल अर्ली इन मॉर्निंग जब सब सोए रहते हैं वैन मोस्ट पीपल आर फास्ट एसलीप वी स्टार्ट आवर वर्क जब सारी दुनिया सोई रहती है सभी लोग मॉर्निंग में थ्री बजे हम लोग अपना वर्क स्टार्ट कर देते हैं और हमारा वर्क कैसे स्टार्ट होता है कि हम लोग जो प्रीवियस डे के जो वेजिटेबल्स होते हैं जो एक दिन पहले के उनको बैग्स में बास्केट में से निकालते हैं और फिर उनको प्रिपेयर करते हैं और फिर मंडी से जाके हम फ्रेश वेजिटेबल जो लाना होता है वो काम करते हैं तो इसमें छोटू भी हमारी हेल्प करता है छोटू कौन है उसका ब्रदर फिर उसने बताया कि एज वी फिनिश डूइंग दिस एंड आर हैविंग सम टी उसके बाद हम लोग चाय पीते हैं फिर टेम्पो की हॉर्न की आवाज़ आती है अब नाउ इट्स टाइम फॉर बाबू भैया चाचू एंड सम अदर्स फ्रॉम आवर स्ट्रीट मतलब उनकी गली के जो और भी पीपल थे वो बाबूजी भैया सभी लोग क्या करते हैं मंडी के लिए जाते हैं मंडी में जाना पड़ता है ना उसको और उनको और मंडी में आपको पता है ना कि एक तो होलसेलर सेलर होते हैं जहाँ पे ये लोग सारा अपना जो भी फार्मर्स वगैरह हैं उनकी जो क्रॉप्स वगैरह या वेजिटेबल सेलर वेजिटेबल्स वगैरह बोलो वहाँ पे होल सेल शॉप पर मंडी में सेल करते हैं फिर वहाँ से वो चीज़ें रिटेलर के पास पहुँचती है और फिर आप लोग रिटेलर से परचेज़ करते हो तो इस पिक्चर ऑफ़ डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स फ्रूट्स आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे बहुत सारे वेजिटेबल एंड फ्रूट नाउ वो कह रही है कि डज एनी वन योर यू हाउस हैव टू गेट आपके घर में कोई जल्दी उठता है और वो कब उठता है और वो क्यों उठते जल्दी तो आप कुछ भी बता सकते हो कि मैं उठती हूँ स्टडी करती हूँ या मेरा ब्रदर उठता है yeah? Now, preparing for the day. ना? नाउ प्रिपेयरिंग फॉर द डे है ना वाइल बाबू जी इस अवे अम्मा छोटू एंड आई पुट द प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स ऑन गनी बैग्स एंड स्प्रिंिंकल सम वाटर ऑन देन उसने बताया कि जब बाबू जी लोग चले जाते हैं तो हम सब मिल के जो एक दिन पहले वाले थे ना उन पर हम थोड़ा सा वाटर स्प्रिंकल करते हैं उससे क्या होता है वो थोड़ा फ्रेश हो दिखती हैं वो है ना सिक्स थर्टी तक बाबू जी वापस मंडी से आ जाते हैं और उनके हाथ पे फ्रेश वेजिटेबल्स है न के बैग्स वगैरह या बास्केट वगैरह जिसमें भी वो लेके आते हैं वो होता है फिर उस समय तो वो कह रही है कि हमारा घर ऐसा लगता है आवर हाउस लुक्स मोर लाइक ए स्मॉल वेजिटेबल मार्केट हमारा घर ऐसा लगता है कि एक छोटा सा वेजिटेबल का मार्केट ही है वहाँ पे ब्रिंजल पटेटोज टमाटोज ओकरा ओकरा भिंडी को कहते हैं पम्पकिन गाड चिली एंड डिफरेंट अदर वेजिटेबल्स ऑल अराउंड उनके चारों तरफ सब्जियाँ ही सब्जियाँ फैली रहती हैं एंड एवरीबडी हेल्प्स इन शॉर्टिंग द वेजिटेबल और सब लोग वेजिटेबल्स को कोई मिक्स करके थोड़ी ठंडी में ले कर जाएँगे सेल करने के लिए आप देखते हो ना कि सारे वेजिटेबल्स को अलग अलग करके रखते हैं घर पर भी मम्मी अगर वेजिटेबल्स ले कर आती है तो वो जैसे मान लीजिए भिंडी है भिंडी को एक अलग शॉर्ट आउट करके पटैटो है उनको अलग इस तरह से रखते हैं ना तो उसने कहा कि द वेजिटेबल्स विच आर नॉट फुली राइट एंड रेडी टू तो सेल आर कैप्ट अड एंड नाउ वी हैव टू शॉर्ट द वेजिटेबल फास्ट जल्दी जल्दी हमको करना होता है क्योंकि उसके बाद जितनी जल्दी हो सके उनको मार्केट पहुंचना होता है है ना बाई सेवन ओ उसने बताया कि फिर सेवन ओ देखो अब आप लोग थ्री ओ क्लॉक मॉर्निंग से पूरी फैमिली उठी और अभी तक वर्क कर रही है सेवन ओ क्लॉक बाबू क्या करते हैं उनके सारे वेजिटेबल्स को अपने हैंड कार्ट में और उसको सारी वेजिटेबल्स अरेंज करते हैं डिफरेंट टाइप के वेजिटेबल्स बास्केट में या फिर हैंड कार्ड के ऊपर ही रखते हैं और फिर उसने उन्हें कहा कि अरे बाप रे मैं तो लेट हो रहा हूँ और फिर वो जो डेली खरीदने वाले कस्टमर वो तो चले जाएंगे किसी और से सब्जी लेके तो फटाफट बाबूजी चले जाते हैं और उसके बाद वैशाली कह रही कि हम लोग भी फिर सेवन थर्टी स्कूल पहुँच जाते हैं अब आ इन द बाज़ार छोटू अटेंड स्कूल इन द आफ्टरनून ही रेस्ट फॉर ए वाइल्ड एंड गोज द बाज़ार लेटर विद फूड फॉर बाबू जी एंड भैया स्टे इज़ विद दैन एट द वेजिटेबल कार्ट अंटिल इट इज़ टाइम फॉर हिम टू गो टू स्कूल जब तक तो उसके स्कूल का टाइम नहीं होता है वो बाबू झूले के साथ उनके आ, साथ उनके कार्ड के साथ वहाँ पर खड़ा होता है और ही गोज़ बैक आफ्टर स्कूल टू हेल्प बाबू जी बाबू जी ट्राइज टू सी दैट दीवियस दिस वेजिटेबल आर सोल्ड फॉर बाबू जी ये कोशिश करते हैं मान लो आपके घर में भी कोई चीज़ कुछ पहले की चीज़ें पड़ी होती है। तो मम्मी कहती है ना कि पहले वाली चीज़ें हम कुक uh, कर लेते हैं या पहले वाली चीज़ें खा लेते हैं नहीं तो वो ख़राब हो जाएगी तो बाबूजी की भी कोशिश रहती थी कि पहले वाली जो वेजिटेबल्स है वो जल्दी सेल आउट हो जाए अब नाव है कि बाबूजी प्रीवियस डे वाला वेजिटेबल क्यों पहले सेल करते थे क्यों क्योंकि हमको पता है वो जल्दी खराब हो जाएगी जो एक दो दिन पुरानी चीज़ें होती हैं वो जल्दी खराब हो जाती है ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक रहती नहीं है सो so, बाबू सेल्स सेल द प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स फर्स्ट नाव हैव यू सीन ड्राइड और स्पॉइल्ड वेजिटेबल आपने कभी कहीं देखा है क्या आपने अपने घर में देखा होगा ना कभी कभी सब्जियाँ ख़राब हो जाती है तो मम्मी उसको बार फेंक देती है नाउ हाउ डिड यू नो दैट द वेजिटेबल्स फॉर स्पॉइल्ड आप कैसे आपको कैसे पता चलेगा कि सब्जी खराब है या तो स्मेल आएगी सब्जी में है ना या वो ऐसे हो जाती है ना उस पर रिंकल से पड़ जाते हैं सब्जी भी एकदम सूख के अजीब सी हो जाती है या फिर उनका कलर चेंज हो जाता है तो यू कैन फाइंड दैट वेजिटेबल्स आर स्पॉइल्ड बाई दियर फाउल स्मेल रिंकल चेंज कलर ड्यू टू ग्रोथ ऑफ फंगस से उस पर लग जाते हैं तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारे जो वेजिटेबल्स है वो स्पॉइल्ट हो गए खराब हो गए नाओ एज द प्रीवियस डे वेजिटेबल्स है ना बाबू जी टेक्स आउट फ्रेश वेजिटेबल्स और पहले तो प्रीवियस डे वाला वेजिटेबल अपने उस पर हैड काट पर रखते हैं जब वो सेल हो जाती है फिर वो फ्रेश वेजिटेबल है ना जो काट में रख रह रखा था उनको बाहर निकालते हैं फिर उन पर थोड़ा सा वाटर स्प्रिंकल मीन्स छिड़कना ताकि वो ड्राई अप नहीं और सब्जियाँ सूख जाती है ना धूप बहुत तेज तो होती है स्पेशली समर में तो बाबू भैया फिर पूरे दिन के बाद फिर रात को टेन ओ क्लॉक घर आते हैं जब तक छोटू और मैं वो कह रही हम सो जाते हैं है ना और सभी लोग बाकी एलेवन या इलेवन थर्टी सो जाते हैं क्योंकि दूसरे दिन फिर मॉर्निंग में उनको थ्री ओ क्लॉक उनको उठना है तो इस तरह से वैशाली ने अपनी पूरी दिन की डेली रूटीन बताई नाउ एट थ्री क्लॉक्स मॉर्निंग फर्स्ट में थ्री ओ क्लाक टाइम हो रहा है सेकेंड में सिक्स और थर्ड में टेन तो इसमें आपको बताना है कि वैशाली क्या काम करती है और इस समय आप क्या करते हो तो वैशाली क्या काम करती है वैशाली तो मॉर्निंग में उठ जाती है वेजिटेबल्स वगैरह शॉर्ट आउट वगैरह करती काम करती है और आप उस समय स्लीपिंग का काम और सिक्स ओ क्लॉक वैशाली क्या करती है वेजिटेबल्स को बैग्स में रखती है और आप उस समय स्कूल के लिए रेडी होते हो एंड नाइट में टेन ओ क्लॉक वैशाली सो जाती है और आप क्या करते हो अभी सोने की तैयारी करते हो फ्रॉम वेयर डू यू गेट वेजिटेबल्स फॉर योर होम आपके होम के लिए वेजिटेबल आप कहाँ से लाते हो और कौन ले के आता है तो फ्रॉम मार्केट वी गेट वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट या मार्केट या सब्जी मंडी है ना और मोस्टली या तो मदर या फादर दे ब्रिंग द वेजिटेबल्स अब आओ पे एक एक्टिविटी एक करते हैं कि आप जब भी कभी आपके घर पे भिंडी ओकरा भिंडी का नदर नाम क्या है ओकरा जो आप लेके आओ तो आप ये फाइंड आउट करोगे क्या सभी ओकरा सेम साइज के हैं क्या आपको यहाँ पे पिक्चर दिख रही है ना बहुत सारे लेडी फिंगर की ओकरा की पहले सबसे छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी है ना तो आपको क्या करना है ये बताना है कि क्या जितनी भी भिंडी है ओकरा है सबकी थिकनेस मोटाई सेम है है ना या लेंथ सेम है या अगर आप उनको कट करते हो सब में सीड्स सेम है ये आपको फाइंड आउट करना है लिखना है ओके okay? नाउ नीचे आपको कुछ वेजिटेबल्स की पिक्चर दिख रही है सॉरी so, आपको यू हैव टू डू कलर इन दिस पिक्चर और फिर आपको बताना है बुक में आपको कलर करना है फिर आपको बताना इसमें आपको कौन कौन से वेजिटेबल मिलते हैं तो आपको मैं बता रही हूँ कि इसमें आपको ब्रिंजल मिलेगा पटैटो मिलेगा पमकिन मिलेगा टमेटो लेडी फिंगर कैरेट है ना ये डिफरेंट टाइप के आपको इसमें वेजिटेबल्स मिलेंगे तो आपको अगर कैरेट रेड कलर का होता है ना तो आपको रेड कलर से कलर करना है ब्रिंजल पर्पल तो आपको पर्पल कलर से कलर करना है ओके नाउ फाइंड आउट यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की लिस्ट है आपको ये बताना है टू टेबल्स बनी है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट स्पॉय क्विकली कौन से वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जल्दी ख़राब हो जाते हैं स्पॉयल मीन्स खराब होना और कौन से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं दैन दैट कैन स्टे फॉर डेज जो कुछ दिन तक हम रख सकते हैं ख़राब नहीं होते और नीचे टेबल में आपको क्या करनी है कि आपको बताना है कि कौन से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स स्मूथ होते हैं जब हम उनको टच करते हैं तो बहुत स्मूथ मुलायम मुलायम से लगते हैं ना वो वाले वेजिटेबल्स फ्रूट्स से स्मूथ में लिखने हैं आपको और जो रफ होते हैं रफ थोड़े खुरदुरे से होते हैं ना जैसे उबर खाबर रोड होती है ऐसे खुरदुरे से उनको आपको रफ़ वाले कॉलम में तो मैंने यहाँ पर कुछ फ्रूट वेजिटेबल्स के नाम लिखे हैं जो क्विकली स्पॉयल हो जाते हैं जैसे पीनक है पालक है बनाना है टोमेटो कैबिज ग्रेप्स चीकू पियर ऑरेंज है ना और जिनको हम सम डेज तक रख सकते हैं पटेटो अनियन जिंजर कोकम्बर पाइन ना रेडिश कैरेट ये आप कुछ दिन तक अपने घर पे रख सकते हो ख़राब नहीं होते स्मूथ कौन कौन से फ्रूट वेजिटेबल हैं आपने गर्ड घिया देखा है क्या लौकी कितना मुलायम होता है ऊपर ग्रीन कलर का है ना ऐसी टोमेटो अनियन कैबेज कोकम्बर ग्रेप्स है ग्रेप्स भी आप टच करके देखो कितने मुलायम सॉफ्ट होते हैं और रफ़ पटैटो पाइन ऐप्पल बनाना पियर जिंजर चीकू ये सब जो होते हैं वो इनकी सरफेस कैसी होती है रफ़ अब नाउ विच वेजिटेबल डू यू फाइंड द हैवियस्ट टू कैरी आपने अभी लास्ट पेज में लिस्ट देखी ना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की तो आपको उन लिस्ट में से बताना है कि सबसे कैरी करने में सबसे हैवियस्ट भारी वेजिटेबल इस पर कौन सा लगा आपको इस लिस्ट में वैसे तो जैक फ्रूट भी हैवी होता है लेकिन हमें इस लिस्ट के अकॉर्डिंग हमें बताना है तो सबसे हैवी क्या था पम्पकिन और सबसे लाइटेस्ट ग्रेप्स सबसे हल्का ग्रेप्स होता है ना टमेटो भी भारी है पियर्स भी हैवी है बनाना भी अब नाउ राइट नेम ऑफ थ्री वेजिटेबल्स विच डू नॉट सीड्स थ्री वेजिटेबल्स के नाम बताने हैं इनमें सीड्स नहीं होते आप कैरेट खाते हो पटैटो तो देखते हो कैबेज इनमें सीड्स नहीं नहीं होते हैं ओके नाउ फाइंडिंग द टेबल गिवन बिलो यहाँ पे एक टेबल है आपको कुछ इसमें फ्रूट्स के वेजिटेबल्स के नेम लिखे हुए आप उनका कलर लिखना है उनकी लेंथ लिखनी है उनका वेट लिखना है उनका प्राइस लिखना है तो एप्पल बनाना पटेटो कैबेज कॉलीफ्लावर टमाटोज एप्पल का कलर रेड बनाना येलो टैटो ब्राउन कैबेज ग्रीन कॉलीफ्लावर वाइट है ना टमेटोज रेड और उनकी लेंथ वो आप स्केल से नाप के देखो से <coughs> कितने सेंटीमीटर होती है सॉरी <coughs> और उस एप्पल का वेट कितना है कितने रुपए है वो तो आपको मार्केट से पता चलेगा कि क्या प्राइस है तो ये आपको टेबल यू हैव टू डू योर सेल्फ नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ वेजिटेबल मार्केट सब्जी मंडी आपको इसमें डिफरेंट टाइप के वेजिटेबल्स दिख रहे हैं फ्रूट दिख रहे हैं आप देख रहे हो ना इनको शॉर्ट आउट करके रखा गया सारी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स मिक्सअप तो है नहीं है ना जैसे मान लो आपको पाइन एप्पल दिख रहा है तो एक साइड पाइनएप्पल है ना गुआवा गुआ एक तरफ अगर सारे मिक्स कर देंगे और कोई परचेज करने आएगा तो उनको कितनी मुश्किल होगी उनको उनको एक एक को उनको पिकअप करने में तो ये लोग शॉर्ट आउट करके रखते हैं और फ्रॉम द होल सेल मार्केट इट इज़ दे ट्रांसपोर्टेड तो टू ऑल शॉप्स ऑफ द कंट्री रिटेलर्स के पास और फिर रिटेलर से आप लोग समाल लेते नाउ इन दिस पिक्चर फादर इज गोइंग टू मार्केट फॉर वेजिटेबल्स एंड छोटू ऑल्सो एंड वैशाली ऑल्सो है न सभी लोग हैं अब इन द लास्ट है ना आई एम थैलिंग यू वैशालीज़ फैमिली कब उनके वर्क स्टार्ट होता है थ्री ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग एंड बाबू जी बैक फ्रॉम द मंडी बाबू जी मंडी से वापस कब आते हैं सिक्स थर्टी बाबू जी फिर मार्केट के लिए कब निकलते हैं सेवन ओ क्लॉक वैशाली स्कूल कब जाती है सेवन थर्टी बाबू जी एंड भैया वापस कब आते हैं रात को टेन ओ क्लॉक और एवरी वन इन द फैमिली स्लिप्स बाय इलेवन या इलेवन थर्टी एट नाइट ओके अंडरस्टूड थैंक यू डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय